Hi guys, welcome back to my YouTube channel Glam Girl. So in today's video, I will show you how to create this traditional look for Durga Puja. जैसा कि आपको पता है कि दुर्गा पूजा आ चुका है, तो आप ये लुक क्रिएट कर सकते हो। So guys, before moving to the video, if you are new to this channel, don't forget to subscribe my channel. See more such videos. Now let's move on to the video. तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पे टोनर अप्लाई किया। मैंने यहाँ रोज वाटर अप्लाई किया अपने फेस पे एज ए टोनर। फिर मैंने अपने फेस पे इसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया फेस और नेक पे। देन उसके बाद मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। मैं यहाँ पॉन्स का मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। ये आपके स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्ट करता है और आपके स्किन को जो है बहुत अच्छा नेचुरल ग्लो देता है। और ये जो मॉइस्चराइज़र है वो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। देन उसके बाद मैं यहाँ प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। मैं यहाँ ओरिफ्लेम का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, प्लस ये आपके मेकअप को बहुत ही अच्छा स्मूथ बनाता है। प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पॉन्स का बीबी क्रीम अप्लाई करूँगी। मैं यहाँ फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं बीबी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फाउंडेशन से ज़्यादा अच्छा बीबी क्रीम लगता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है और आपके स्किन में एक नेचुरल सा ग्लो देता है। नाउ आई विल ब्लेंड दिस विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप ब्लेंड करें अपने फाउंडेशन या बीबी क्रीम को, तो अपने ब्यूटी ब्लेंडर को वाटर में डिप करके स्क्वीज करके ही ब्लेंड करें, तो आपका जो फाउंडेशन या बीबी क्रीम अच्छे से ब्लेंड होगा और आपका मेकअप बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस लगेगा। नाउ यू कैन सी मैंने अपना बीबी क्रीम ब्लेंड कर लिया है। नाउ अब मैं अपने फेस को हाईलाइट और कॉन्टर करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने ब्रिज ऑफ द नोज, फॉरहेड और अंडर आई एरिया और चिन को हाईलाइट कर लूँगी। नाउ विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। नाउ यू कैन सी मैंने ब्लेंड कर लिया। अब मैं कॉन्टर करूँगी अपने नोज को, अपने जॉ लाइन को। और अपने चीक्स को अगेन मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अपने कॉन्टर को भी ब्लेंड कर लूँगी। हाईलाइट और कॉन्टर करने से आपके जो फेस का जो फीचर है वो और इन्हेंस होता है और आपका जो फेस है वो फ्लैट नहीं लगता। यू कैन सी मेरे फेस में जो है फीचर वो और इन्हेंस हो चुका है। नाउ मैं यहाँ रेड लिपस्टिक ले रही हूँ टू अप्लाई ब्लश ऑन माई फेस। मैंने लिपस्टिक अपने चीक्स पे और थोड़ा नोज पे अप्लाई कर लिया। नाउ विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर अब मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। ये बहुत ही अच्छा पिंकिश सा ग्लो देता है आपके फेस पे, नेचुरली ग्लोइंग लगता है आपका फेस। यू कैन सी ये कितना अच्छा पिंकिश सा ग्लो दे रहा है मेरे चीक्स में। नाउ मैं यहाँ अब यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का कॉम्पैक्ट टू सेट माई मेकअप। आपको अच्छे से अपने फेस के मेकअप को सेट कर लेना है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप सेटिंग स्प्रे। मैं बेस मेकअप करने के बाद
सेटिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे जो आपका मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग चलता है और आपके फेस पे जो स्वेट होता है वो बहुत कम होता है और आपका जो मेकअप है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। देन अगेन मैं यहाँ लूज पाउडर की यूज़ कर रही हूँ अपने मेकअप को सेट करने के लिए। देन उसके बाद मैं अपने आईज पे लूज पाउडर को अप्लाई कर रही हूँ आई मेकअप के स्टार्ट करने से पहले। और उसके बाद मैं यहाँ जैकलिन हिल्स का आई शैडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। फिर मैंने ये न्यूड सा शेड लिया और अपने क्रीज लाइन पे आपको इसे अप्लाई करना है। आपको एक्सेस जो प्रोडक्ट है उसे डैब ऑफ कर लेना है। मैंने दोनों आईज पे अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई कर लिया। देन उसके बाद आपको रेड कलर का शेड लेना है और अपने आउटर आई कॉर्नर पे अप्लाई करते हुए अपने क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। यू कैन सी मैंने ब्लेंड कर लिया अपने दोनों आईज पे। फिर इसके बाद मैं अनदर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ये हिलेरी डॉडा पैलेट है और मैं यहाँ गोल्डन शेड लूँगी। मैं अपने फिंगर से ही इसे अप्लाई करूँगी। फिंगर से अप्लाई करने से जो पिगमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। फिर मैं यहाँ थोड़ा ब्रश का भी यूज़ कर रही हूँ अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। देन अगेन मैं यहाँ थोड़ा रेड शेड ले रही हूँ और अपने आउटर आई कॉर्नर को थोड़ा डार्क कर रही हूँ। देन उसके बाद मैंने अपने आईज पे आईलाइनर अप्लाई कर लिया है, लैक्मे का पेन आईलाइनर। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज को फिल इन कर लूँगी। सो सबसे पहले मैंने अपने आईब्रोज को कॉम कर लिया। देन उसके बाद मैं फिल इन करूँगी अपने आईब्रोज को इन द सेम ब्राउन। देन उसके बाद आपको अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लेना है लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले। मैं यहाँ बायोटिक का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। देन उसके बाद मैंने रेड लिपस्टिक थोड़ा सा पहले अप्लाई किया। मैंने ज़्यादा डार्क अप्लाई नहीं किया क्योंकि मैंने आईज़ को बहुत ज़्यादा हैवी रखा है, तो आपको न्यूट रखना है अपने लिपस्टिक को। देन उसके बाद मैंने वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई किया इन द सेड गिव मी मोचा। देन उसके बाद मैं अपने आईज पे काजल अप्लाई करूंगी। मैं अपने आईज के हाफ वाटर लाइन पे अप्लाई करूंगी और अपर वाटर लाइन पे भी अप्लाई करूंगी। अब मैं अपने अपर वाटर लाइन पे अप्लाई करूंगी काजल को। आपको दोनों आईज पे वैसे ही कर लेना है। यू कैन सी मैंने अप्लाई कर लिया। देन उसके बाद मैं यहाँ ओरिफ्लेम का मस्कारा यूज करूंगी। आपको अच्छे से अप्लाई करना है मस्कारा को। नाउ अब मैं अपने फेस पे हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए इस वीडियो में, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने चीक बोन पे अप्लाई कर लिया हाइलाइटर को।
आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आपको ज्यादा अप्लाई नहीं करना है हाइलाइटर, थोड़े से नोज पे और अपने चिन पे मैं अप्लाई कर लूंगी हाइलाइटर को। ये बहुत ही अच्छा ग्लो देता है आपके फेस पे। लास्टली मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ओरिफ्लेम का पर्ल ब्लशर। Guys, my makeup is complete. Like, subscribe and share my videos, and I will see my next video. Bye guys.